अरे राम लग गई। अच्छा वो लग गया, अभी तक मेरे ऊपर हंस रहे थे तुम दोनों, अब तेरे ऊपर भी कोई हंसेगा। हाँ, पागल बाप। अरे मत मार। और मारो, मजा आ रहा है। चुप कर तू। तुम कहाँ जा रहे हो? हम दोनों चोर हैं, तुम्हारे पास जो भी हो सब निकाल के मुझे दे दो। अरे नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सीधे निकाल दे जो भी तेरे पास रखा है, नहीं तो मैं अभी तुझको जान से मार डालूंगा। खजूर में गिरे नीम में अटके। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। निकालता है या तुझे बताऊं? अभी यही है मेरे पास, लेना हो तो ले लो। अरे रुको भाई, मेरे घर पे बहुत सारी संपत्ति है। हाँ बता, कहाँ है संपत्ति? मेरे घर पे है। तो क्या तू अपने घर की संपत्ति मुझे दे देगा? नहीं, तुमको चोरी करनी होगी। अजीब पागल आदमी है, अपने ही घर में चोरी करवाना चाहता है। अच्छा चलो घर। इस प्रकार नहीं जाएंगे, पहले तुम दोनों लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो और अच्छा फोन गहने अपने साथ ले लो, तब चलेंगे। लेकिन क्यों? मैं अपनी पत्नी को बता दूंगा कि तुम मेरे बहुत अमीर मित्र हो और इसलिए तुमको घर पे लेके आया हूँ। मेरी पत्नी तुरंत मान जाएगी। तुम अपने घर में चोरी क्यों करवाना चाहते हो? क्योंकि मुझे रोज दारू चाहिए होती है और मेरी पत्नी मुझे दारू के लिए पैसे नहीं देती है, इसलिए तुम लोग चोरी कर लेना और उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दे देना ताकि मैं दारू पी सकूं। ठीक है, फिर जाओ अपने कपड़े और चीजें बदल कर आओ। चलो भाई, तुम अच्छे मिले हो हमको, तुम्हारे जैसे दो चार और मिल जाए तो अपना जीवन सफल हो जाए। हाँ चलो, लेकिन एक बात और, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा है मुझसे, इसलिए जब घर चलोगे तो मेरी पत्नी तुम लोगों को बहुत कुछ कहेगी, शायद मारेगी भी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग तो रोज गाली और मार खाते हैं। इतनी रात में कौन आया है? तुम तो भाग गए थे और कह रहे थे कि कभी नहीं आऊंगा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये दोनों कौन है जिनको तू अपने साथ लेकर आया है? अरे ये दोनों हमारे मित्र हैं, इनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, कह रहे थे कि काम ज्यादा हो गया है तो एक या दो फैक्ट्री तुम्हारी पत्नी के नाम कर दूंगा, इसलिए लेटा आया। अरे तो ये लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, मैं चाय बनाती हूँ। अंकल आप दोनों खूब बड़े हो जाओ। अरे पागल, ये तुम नहीं, ये जिनके पैर छूटे हैं वो लोग बोलते हैं। मम्मी ने तो आज तक नहीं बोला कभी, वो तो हमेशा बोलते हैं कि मर जाके कहीं। ये कब बोला? अरे तभी जब आपने पैर छुए थे। चुप कर, बिल्कुल शांत रह, पता नहीं कब क्या बोलना है। अरे बताओ बेटा, क्या बात है, मम्मी क्या बोलती हैं? कुछ नहीं। बताओ, मैं कहाँ किसी से कहने जा रहा हूँ। चुप कर लुटिया चोर। क्या मतलब? बताओ बेटा, तुम कुछ कह रहे थे? अभी जब पापा बाहर भाग गए तभी मम्मी पापा को मार रही थी और पापा मम्मी के पैर छू रहे थे। अच्छा। कहाँ फैक्ट्री है आपकी? बहुत सारी है, लगभग 10, और दो लोग हैं, इसलिए सोच रहा हूँ एक कंपनी दान दे दूँ। आप जैसे नेक दिल बहुत कम लोग मिलते हैं। हाँ सही बात, हमने आज तक रातों रात बहुत लोगों को गरीब दास से अमीर दास बनाया है। वैसे तुम दोनों शक्ल से तो चोर लगते हो। क्या? कुछ नहीं, शक्ल और काम में बहुत अंतर है। वैसे आप लोग कौन हो? इनको भूलने की बीमारी है, ये वादा करके भूल जाते हैं। अच्छा।